आके रुक जाएगा, लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो गया। ये पूरा जो सफर रहा, पूरी जर्नी, पूरी लड़ाई, पूरी फाइट, पूरी कैंपेनिंग कैसी रही? शानदार रही। आपने देखा किस तरह से जनता का जन सैलाब जो है उमड़ कर पड़ा है महागठबंधन की रैलियों में। आज भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो हुजूम यहां पर उभरा है वो इस बात को बयां करता है कि इस बार जीत इंडिया महागठबंधन की होगी। हमारे यहां दुमका के प्रत्याशी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय नलिन सोरेन जी, जो कि 35 साल से जिनको जनता विधायक बना रही है, उन्होंने कितना काम किया होगा कि जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है और अब वो लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, ये सबको विश्वास है, सब लोग उमड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत बड़ा एक बदलाव होने वाला है। दुमका के अलावा पूरे इंडिया में बात करें तो जी, एक्सपेक्ट कर रही है इंडिया ब्लॉक? इंडिया ब्लॉक तो बहुत शानदार एक्सपेक्ट कर रही है। हम झारखंड की अगर बात करें तो इस बार हम लोग झारखंड में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, ये आप लोग भी बोल रहे हैं, पत्रकार भी जानते हैं, और इस बार एक ऐसा रिजल्ट होगा कि हमेशा लोग उसको याद रखेंगे। देखिए नंबर का आंकड़ा तो नहीं बोलना उचित है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि 14 में से 14 सीटें ही आए। और यहाँ पर आपने देखा कि कल्पना सोरेन जी भी कितना, मतलब उनकी भी लोकप्रियता बढ़ी है, उन्होंने जिस तरह से संभाला है, हमारे पार्टी के माननीय चंपई सोरेन जी जिस तरह से मन जी के काम को संभाल रहे हैं, लेकिन ये जो एक षड्यंत्र के तहत हमारे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जनता से दूर करने की साजिश भाजपा ने रची थी, वो कामयाब नहीं होगी, बल्कि उल्टा ही पड़ेगा उनका चाल, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये इस तरह षड्यंत्र की राजनीति न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में चल रहा है। महाराष्ट्र में देखा आपने कि किस तरह से एनसीपी के शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी को किया गया, हर जगह चल रहा है यहाँ भी, और ये है जो